अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर बशीर सुमर हूँ, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और ब्रेन हेल्थ टीवी के हवाले से आपके साथ मुखातिब हूँ। आज हमारा जो मौसू है टॉपिक का वो माइग्रेन है। और माइग्रेन हेडेक जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो क्लासिकल होता है माइग्रेन और एक नॉन क्लासिकल माइग्रेन होता है। क्लासिकल जो माइग्रेन है उसमें स्टेजेस होती हैं। नंबर वन ऑरा होता है। ऑरा में क्या होता है कि एक फीलिंग आती है कि आपके विजुअल के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, देखे कि विजुअल फोर्टिफिकेशन हो जाती है या विजुअल लॉस होना शुरू हो जाता है या फिर कोई चीज़ें धुंधली होना शुरू हो जाती है। उसके बाद एकदम से सर में दर्द होना शुरू हो जाता है और सर के दर्द के साथ साथ उसमें बहुत सारे और अलामत होती हैं, जैसे कि लाइटें बुरी लगती हैं, शोर बुरा लगता है और नौसिया या वॉमिटिंग होना शुरू हो जाता है। उसके बाद एक रिजोल्यूशन फ़ेज़ आता है। जब रिजोल्यूशन फ़ेज़ आता है तो पेशेंट फिर थोड़ा सा लिथार्जिक हो जाता है और स्लीपी हो जाता है। उसके बाद फिर एक पोस्टिक्टल फ़ेज़ आ जाता है, जिसमें पोस्टिक्टल फ़ेज़ में ये होता है कि पेशेंट को बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक थकावट का महसूस होना शुरू होता है। माइग्रेन में इलाज का तरीका 2-3 तरह से है। नंबर वन, एक तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। नंबर टू, डाइट का होना इम्पॉर्टेंट है। डाइट में मॉडिफिकेशन या डाइट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका रोल होता है, जैसे मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम डाइट में होना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ के ये लोग जो माइग्रेनर्स होते हैं उसमें मैग्नीशियम हेल्प करता है ट्रीटमेंट के हिसाब से। और 50% लोग जो होते हैं माइग्रेन के अंदर मैग्नीशियम उनको रिलीफ देता है माइग्रेन का। अच्छा, मैग्नीशियम की कमी की वजह से बहुत सारे लोगों में माइग्रेन अटैक फ्रीक्वेंट होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो चीज़ें होती हैं वो कुछ दवाएं इस्तेमाल करते हैं। दवाएं दो तरह की होती हैं, एक तो वो दवाएं होती हैं जो प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज़ की जाती हैं कि दूसरा अटैक ना आए। एक दवाएं वो होती हैं जिसमें हम एक अटैक हो जाए उसको एबॉर्ट करने के लिए दवा इस्तेमाल करते हैं। तीसरा ये होता है कि हम जो लाइफ स्टाइल है हमारे उसको मॉडिफाइड करने के लिए हमारा स्लीप पैटर्न बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारी एक्सरसाइज का रेक रोल बहुत अच्छा है और हमारे लिए जो स्क्रीन टाइम है उसको कम करना चाहिए, क्योंकि जो ट्रिगर फैक्टर है वो स्क्रीन भी है हमारे साथ। तो माइग्रेन एक काबिले इलाज है और उसके लिए 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो मैग्नीशियम की कमी ना होने दें और मैग्नीशियम का इस्तेमाल ज़्यादा ज़रूरी है। मैग्नीशियम मैक्रो एलिमेंट है तो वो डाइट में भी मिल सकता है, मगर आपको एक्स्ट्रा मैग्नीशियम किसी और अंदाज़ में भी मिल सकता है। तो आप माइग्रेन के लिए किसी मुस्तनद डॉक्टर को दिखाएं। मज़ीद मालूमात के लिए आप ब्रेन हेल्थ टीवी को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।